तो आज हम लोग फिर से आ गए हैं तंदूर वाले पे, लेकिन आज का वीडियो होने वाला है थोड़ा सा स्पेशल, क्योंकि इंडियन डिशेस तो आपको मैंने बहुत दिखाई यहाँ के, और यहाँ के इंडियन डिशेस बहुत फेमस भी है, लेकिन आज आप लोगों को यहाँ पे घुमाएंगे पूरी दुनिया, क्योंकि आज है यहाँ पे ऑल अराउंड द वर्ल्ड के डिशेस। तो मेनू में आज हम लोग मिलेंगे अपने टर्की से आए हुए दोस्त, जिसको हम प्यार से बुलाते हैं शवरमा। तो जैसे जैसे ये शवरमा बन रहा था, मेरी भी भूख उतनी ही बढ़ती जा रही थी। जस्ट देखिए कैसे ये सॉसेस कितना जूसी लग रहा है। तो आगे बताएंगे आपको कैसा था ये शवरमा, बने रहिए वीडियो में। और नेक्स्ट मेनू में है कोरिया से, अरे नहीं दीदी बीटीएस नहीं है, ये है कोरियन चिकन। जस्ट देखिए इसको कैसा लग रहा है टेस्टी। तो ये मेनू का आइटम देखते ही मेरे दिल से ये गाना निकल आया। क्यों निकल आया? अरे बताऊंगा, लेकिन वीडियो में बताऊंगा, सब कुछ इंट्रो में बता दूंगा तो कैसे चलेगा। तो वीडियो में बने रहिए, आगे बताता हूं आपको मैंने ये गाना क्यों गाया था। और साथ में थे हमारे कुछ इंडियन दोस्त, जो है मटन निहारी, खमेरी रोटी और अपना पसंदीदा चिकन भरता। ओहो हो, जस्ट देखिए इसको, ये भी आएगा आगे वीडियो में। और अभी जो आप ये बनते देख रहे हैं, यही है वो जो थंबनेल वाला डिश है, यही वो डिश है जो हमसे यमन से मिलने आए हैं। तो ये है मेन अट्रैक्शन आज के लिए, और मुझे नहीं लगता आज आप कोई भी डिश मिस करना चाहेंगे। तो बिल्कुल लास्ट तक देखिए, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। तो किसी ने 80 दिन में दुनिया घुमा था, हम लोग आपको 15 मिनट में दुनिया घुमा के दिखाएंगे यहीं पे बैठ के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आपको दिखाते हैं दुनिया भर का खाना, द वन एंड ओनली तंदूर वाले पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, आ जाइए। I don't really understand myself, I don't really understand, need help, I don't wanna be left on the shelf, couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. तो पहले ही हम लोग आ चुके हैं मुगल जमाने के बादशाही डिशेस लेके। बादशाही क्यों बोले, जस्ट देखिए डेकोरेशन लग रहा है ना कि बादशाह लोग बैठे हुए हैं खाने के लिए यहाँ पे। तो जस्ट पहले देख लीजिए ठीक से डिशेस, मतलब ये है मटर निहारी, ये बनने में ऑलमोस्ट 5 to 6 hours लगता है, तभी ये टेस्ट खुल के आता है। स्लो कुकर की जो पकता है तभी इसका टेस्ट निकलता है। मुझे तो देख के मुंह में पानी आ रहा है। और उसको खाने के लिए साथ में है ये खमेरी रोटी, फ्लफी एक ब्रेड है जो ईस्ट के साथ बनता है, तो इसके लिए इतना फ्लफी होता है ये। वो तो बाद में मैं टेस्ट करने के लिए पागल हो ही रहा हूँ, लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। साथ में है यहाँ पे एक बड़ा सा प्लेट चिकन भरता का। तो पूरा एकदम हम लोग बादशाही एकदम डिश बना के बैठे। बादशाह इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये सब इंसेप्शन ही हुआ था मुगल जमाने में, तब से ये चल रहा है। तो हम लोग आ चुके हैं इसको टेस्ट करने के लिए। अभी टेस्ट तो करेंगे एक एक। ज्यादा मतलब साइज भी आप देख सकते हो, मुझे डर लग रहा है कि मैं उठाने जाऊं तो एटलीस्ट ये निकल के आ जाए। एग्जैक्टली, जो बहुत ज्यादा टेंडर है ये, वही मतलब ये स्लो कुक, हां स्लो कुक होता है इसलिए इतना टेंडर होता है ये। तड़प ही ऐसी है ना, कैसे बोल रहे हम लोग को पता नहीं, क्योंकि हम लोग टूट पड़ना चाहते हैं इसके ऊपर। चिकन के लिए मेरा एक बहुत पुराना वीकनेस है, और देख के अलग ही हेवनली लग रहा है। दिखने में थोड़ा क्रीम है ऊपर, सफेद सफेद। वाल
चिकन भरता मैंने और भी जगह खाया, लेकिन इसमें एक स्पेशल वो जो तंदूर का जो स्मेल उभर के आ रहा है ना, अलग ही फ्लेवर दे रहा है। और इतना पूरा भर के प्लेट चिकन जो है सिर्फ 200 रुपीज में, 200 रुपए में ऐसा प्लेट आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, सिर्फ तंदूर वाले में ही मिलेगा। सीरियसली तो अभी इस रोटी का असली मजा तो शायद ये ग्रेवी में ही आ सकता है, क्योंकि मुझे ग्रेवी बहुत देर से बुला रहा है। तो चलते हैं इसकी तरफ। जस्ट देखिए, ओहो, ये फ्लफी ब्रेड पूरा ग्रेवी को सोक कर ले रहा है, और इसके लिए इसका जो टेस्ट एनहांस होगा थोड़ा मटन भी ले। ओ गॉड, मटन देखिए जस्ट टूट के बाहर आ जा रहा है, तभी आएगा ना मटन का मजा। कतई सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट। अब इसका एक इसको भिगाड़ है ना, आई इंसिस्ट ट्राई दिस, दिस इज गॉट ग्रेवी सीरियसली। एक तो निहारी बहुत ही टेस्टी है, उसका टेस्ट और इन्हांस क्या कर रहा है पता है, ये फ्लफी खमेरी रोटी, क्योंकि ये पूरा फ्लेवर को सोक कर ले रहा है अपने आप में, और फिर जो टेस्ट निकल के आ रहा है ना इसके साथ, क्या ही बताएं, क्या डिशेस हैं। मैं तो खाया जा रहा हूँ, बोलने का ये ही नहीं है। इससे बेस्ट रिएक्शन और कुछ नहीं हो सकता है कि रुके नहीं जा रहे किसी से, कतक की क्लियर ना बेजलस। तो हम लोग तो खाते हैं, नेक्स्ट डिश की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन पहले ये थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। यही शुरुआत है, शुरू है, खत्म जहाँ पे होगा वो आप छोड़ जाएंगे कहाँ पे हम लोग खत्म करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में, हम लोग थोड़ा खाना खा लेते हैं। तो आ चुके हम लोग टर्की, तो पहले हम लोग घुमा के आपको दिखाते हैं टर्की की एक डिश। ये एक्चुअली एक टर्किश डिश है, शॉर्मा जिसको बोलते हैं हम लोग, अब यहाँ पे बहुत चलता है, लेकिन इसका मेन जो है इन्वेंशन बोल सकते हैं वो बना था टर्की में। तो अराउंड द वर्ल्ड आज का वीडियो में पहला कंट्री है टर्की, सो टर्की से आया हुआ है ये शॉर्मा, टर्की शॉर्मा। तो पहले ये ट्राई करते हैं यहाँ, मेकिंग तो आपने देख लिया होगा, अब टेस्ट बताते हैं आपको। तंदूर से निकल के वैसे मुझे शॉर्मा बहुत पसंद है, शॉर्मा का एक बहुत अच्छा सा हिंट देता है वो सॉसेज, और उसका जो मेन मसाला होता है वो एक अच्छा हिंट देता है, उसके साथ ये तंदूर में भी जाता है, तो तंदूरी शॉर्मा जो ये बन के निकल के आता है उसका टेस्ट और एनहांस हो जाता है। तो मैं तो ये नहीं छोड़ने वाला हूँ, और प्राइस अगर पूछते हैं तो प्राइस भी इतना ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 70 रुपीज़ का ये पूरा एक रोल मिल जाएगा। तो मैं तो ये खाने वाला हूँ, आप लोग भी अगर खाना चाहते हैं तो जल्दी से आ जाइए, ऑर्डर कर लीजिए, और कट्टर की घूम के जाइए इंडिया में ही। तो गाइज अभी हम पहुँच चुके हैं कोरिया, पहले हम लोग थे टर्की में, टर्की से डायरेक्ट फ्लाइट लिए कोरिया आ चुके हैं। तो ये है कोरियन फ्राइड चिकन विद सेसमी सीड्स, ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ये सेसमी सीड्स है, लेकिन टेस्टी होगा ये मैं गारंटी ले सकता हूँ, क्योंकि स्मेल बहुत टेस्टी आ रहा है। तो ट्राई करेंगे इसको, स्मेल तो ओहो रुका नहीं जा रहा है, ये विंग्स के साइड है, तो विंग्स ऐसे ही होते हैं साइज में, छोटा मत सोचिएगा, बहुत सॉफ्ट और टेस्ट तो बहुत अच्छा है। इसमें जो सॉसेस का फ्लेवर पड़ा है ना, जो मिक्स तैयार हुआ है, ये स्पेशली ये सॉसेस ही हैं जो इसको ये कोरियन फ्लेवर देते हैं। तो ये कोरियन विंग्स तो उड़ के मेरे मुंह पे आ रहे हैं, तो आप भी जल्दी से उड़ के आ जाइए खाने के लिए, चाहे आप टर्की जाए या कोरिया जाए, सब आपको इंडिया में ही मिल जाएगा अभी। तो कोरियन रिंग्स, और हाँ प्राइस भी इतना ज़्यादा नहीं है, चिंता मत कीजिए, इंटरनेशनल बोल के इंटरनेशनल प्राइसेस भी नहीं है, प्राइसेस इंडियन ही है, ओनली 150 रुपीज़। तो जल्दी से आ जाइए फिर मैं खा लेता हूँ। तो दुनिया घूम के हम लोग पहुँच चुके हैं अभी इंडिया में, अभी हम जो दिखाने वाले हैं वो है इंडियन डिश, लेकिन लेकिन ये डिश यहाँ पे आसानसोल में, यहाँ तक कि दुर्गापुर तक शायद कहीं नहीं मिलता है। मैंने तो कभी नहीं ट्राई किया। ये बटर चिकन ही है, लेकिन ये नॉर्मल बटर चिकन नहीं है, ये है मसक कली मटक कली मटक कली। अरे गाना इसलिए गा रहा हूँ क्योंकि ये दिल्ली 6 में बनता है, तो जिन लोगों को रेफरेंस समझ में आया होगा बता दीजिएगा।
और थोड़ा ज्यादा गा देते ना कॉपीराइट खा जाते। नहीं मानता। दिल्ली सिक्स का ऑथेंटिक बटर चिकन जो है अभी हम लोग फ्राई करेंगे। स्मेल तो बहुत ही अच्छा आ रहा है और आप देखिए थोड़ा इसमें बटर चिकन में ये बटर इतना ना हो तो क्या फायदा। बटर चिकन में बटर चाहिए हमको, इसमें जितना बटर है मुझे उतना ही बटर चाहिए। तो अभी हम लोग ट्राई करेंगे। प्रीतम लेट्स स्टार्ट। बहुत देर से लेट्स ट्राई का वेट कर रहा था। ठीक है अभी ग्रीन सिग्नल मिला। इसको थोड़ा बटर में डुबो के। ओहो ग्रेवी तो देखो यार। ये क्या प्रॉपर बटर चिकन शायद किसी को बोलता है। इतना बटरी और इतना क्रीमी लाजवाब। एक बात, इसमें सिर्फ बटर और व्हाइट क्रीम और ये तंदूरी चिकन है। ये तो सिर्फ क्रीम और बटर का एक ग्रेवी बनता है जिससे ही ये इतना टेस्ट आ जाता है। मसाला तो है ही ऑब्वियसली, लेकिन इसमें वो काजू वो टमाटर ये सब नहीं जाता है। इसमें ओनली प्रॉपरली सिर्फ ग्रेवी के लिए क्रीम और ये बटर जाता है। तो यही है ऑथेंटिक पुरानी दिल्ली का जो सबसे पहले बना था दिल्ली में, दिल्ली सिक्स का बटर चिकन यही है ऑथेंटिक। तो अगर ये ट्राई करना है और दिल्ली आप जाना नहीं चाहते हैं तो आपको कहाँ आना पड़ेगा, रहमत नगर के तंदूर वाले में। एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहता हूँ, तंदूर वाले सिर्फ अभी एक ही ब्रांच है जो रहमत नगर में है और कहीं पे तंदूर वाले नहीं है। तो ये सारे डिशेज अगर आपको ट्राई करना है तो आपको कहाँ आना है, रहमत नगर के तंदूर वाले में। कहीं और गली से मत पहुंच जाइएगा, वहां पे नहीं मिलेगा ये टेस्ट ये क्वालिटी ये खाना, ओनली एंड ओनली रहमत नगर तंदूर वाले। मेरे लिए कुछ छोड़ नहीं रहे ये लोग। अरे भाई मुझे भी खाने दो। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, बटर मार के इतना बटर मार के जो चिकन है। अरे वैसे ही नहीं मिल रहा, यहाँ से भी हाथ दे रहा है मुझे, थोड़ा खाने दो पहले। तो यहाँ हमने सिनेमाटोग्राफर आकाश का जो बहुत अच्छी सिनेमाटोग्राफी करते हैं, हाथ मिला सकते लेकिन चिकन नहीं दे सकते, चिकन नहीं दे सकते। अबे साले अच्छा टेस्ट है। और बात कीजिए। ये मुझे खाने नहीं देंगे बातों में लगा के। अभी खाना खा लेते हैं और आप भी जल्दी से आके खा लीजिए। खाने दो मुझे। तो अभी हम आ चुके हैं यमन, क्योंकि ये जो डिश है इसको मेनली बनाया गया था यमन में ही। हाँ आप बोल सकते हैं कि यमन में ये सब आलू वालू नहीं डलता था, ठीक है मानता हूं मैं, लेकिन इसको जो बोलते हैं वो है मंडी। जो बहुत लोगों को पता होगा मंडी क्या होता है, कि ये ह्यूज प्लेटर होता है एक राइस का, उसके ऊपर चिकन या लैम के पीसेस। यहाँ पे चिकन मिलता है, वैसे चिकन या लैम दोनों होता है इसमें। तो यहाँ पे ये चिकन तंदूरी मंडी है जिसमें कस्टमाइज करके, हाँ यमन से आता है, थोड़ा ये बंगाली बन चुका है क्योंकि आलू है इसमें। तो ये बंगाली यमन डिश है जो चिकन मंडी है। जो साइज देखिए इस डिश का, वैसे तो मैं खाना बहुत पसंद करता हूँ और ये जो स्मेल और महक आ रहा है चिकन और ये राइस का बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये मेरे लिए भी थोड़ा ज्यादा है, इसीलिए मैं लाया हूँ मेरे भुक्कर दो दोस्त। गजब बेइज्जती है। जो मेरा हेल्प करेंगे, आ जाओ भाई बैठ जाओ। अब ये तो अकेले खाया नहीं जा सकता, तो आपको भी अगर ये खाना है तो एक तो आपको 4 घंटे पहले ऑर्डर करना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। ऊपर से आप लोगों को ऐसे 4-5 बंदे लेके आने पड़ेंगे खाने के लिए, बिकॉज ये अकेले कोई नहीं खा सकता। नहीं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, हाँ चैलेंज भी कर ही रहा हूँ, चलिए चैलेंज कर रहा हूँ, ये अकेले कोई नहीं खा सकता है। तो ऐसे बंदे लेके आइए जो मुझे भी नहीं, जो आपको खाने दे, ठीक है जो आपको खाने दे वैसे बंदे लेके आइए, ऐसे मत लेके आइए जो खुद ही खा जाए मुझे नहीं खाने दे। रुक जाओ भाई मुझे भी खाना है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो पहले आपको ये दिखाते हैं ये चिकन जो बना है जो जूसी लग रहा है, इसको थोड़ा क्लोज लुक देते हैं। ये क्या है, ये इधर इधर ये क्या हो रहा है, ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। खाने लाया हूँ इसका मतलब ये नहीं कि सर पे ही चढ़ जाओ। तो अभी थोड़ा क्लोज आने बोलूंगा। तो ये जो चिकन आप देख रहे हैं, अब एक मैजिक दिखाऊंगा। Oh my goodness, what बताइए ऐसे आप और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह से। ऐसे आप बताइए, ऐसे कभी आप चिकन तोड़े हैं कोई तंदूर से जो इतना इजीली इतना सॉफ्टली जो जस्ट टूट के हाथ में आ जा रहा है, मतलब सोच लीजिए कितना ये जूसी होगा, बहुत जूसी भी होगा। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं, मुर्गी जिम कर जाता है, इसका चेस्ट देख लीजिए। वो चेस्ट नहीं है, कुछ और है।
छाती ऐसे ऐसे बोल हाँ ये कर लो पहले ये देखिए किंग कॉन्ग साथ में लाया हूँ मैं तो अब रहा नहीं जा रहा है अभी टेस्ट करते हैं एक आलू के साथ आप मुंह में जैसे मेल्ट हो गया चिकन ऑसम क्या टेस्ट है जैसा मसाला इसका टेस्ट गया है वैसे इतना सॉफ्ट बना है ये लोग मुझे तब से देखे जा रहे हैं पता है अरे खाओ खाओ रोक नहीं रहा तुम भी खाओ मैं तुम्हारे वोकैबुलरी की दाद देना चाहता हूँ क्यों पता है क्यों जो जो बातें बोल रहे हो ना दिमाग कुछ और ही आ रहा है समझ रहे हो समझ रहे हो समझ रहे हो ना हाय अल्लाह ये क्या बना दिया तेरे खून से मैंने आसमान भर दिया अच्छा बंगाली में एक प्रभाव है कोवि कोवि भाव छंदे भाव ये देखिए जीता जागता रूप है शायरी आ रहा है लेकिन आ भी नहीं रहा कैसे आएगा सबको नहीं आता है तो जो आता है वो करो खाना खाओ देखिए लड़ाई हो रहा है इसके लिए खाना इतना टेस्टी है लड़ाई हो जा रहा है खाने के लिए और ये जो आप देख रहे हैं इतना बड़ा सा प्लेटर कितना हो सकता है प्राइस 2,000-3,000 सोच रहे होंगे ना नहीं 5,000 कैसा लगा मेरा मजाक लेकिन इस डिश का प्राइस एक्चुअली है 799 ओनली सही सुना आपने 799 ओनली तो रुकियो क्यों है जल्दी से आइए लेकिन आने से पहले 4 घंटे पहले ऑर्डर करके आइए ठीक है नहीं तो नहीं मिलेगा ये नहीं हो सकता 799 में वो तो मुझे भी नहीं लगा था मुझे बहुत ज्यादा लगा था लेकिन प्राइस असली में बहुत कम है और ये कहाँ मिलेगा रहमत नगर के तंदूर वाले में सिर्फ तो अभी हम लोग खाने में कंसंट्रेट करेंगे बहुत बोल लिया हम लोगों ने आज के लिए इतना ही इधर मुझे बाहर ढकल लिया जा रहा है क्योंकि मुझे खाने नहीं दिया जा रहा है लेकिन और वेट नहीं कर सकते हम लोग उधर कैमरा में पागल हो चुका है खाने के लिए लेट्स एंड दिस व्लॉग विद दिस फूड आपको सारे डिटेल्स आपको लोकेशन भी मिल जाएगा पिन लोकेशन डिस्क्रिप्शन में वहां पे जाके देख लीजिएगा और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है खाना भी और ये व्लॉग भी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अभी हम लोग खाने जा रहे हैं आप भी जल्दी से आके खाइए अरे रुक जाओ भाई मुझे भी खाना है रुक जाओ रुक